हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, एजुकेटर ऑन अकेडमी ऐप यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर हाजिर हूं कंप्लीट मार्च माह का एमसीक्यू करंट अफेयर्स जीके। इसमें हम टोटल जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो कि मार्च माह का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स जीके। मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कंप्लीट मंथ के जीके के लिए हमारे चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं मार्च माह का कंप्लीट करंट अफेयर्स जीके क्वेश्चन संख्या एक से। अमेरिका ने हाल ही में किस एशियाई देश को सामान्य कर मुक्त प्रावधानों की सूची से बाहर करने की घोषणा की है? ए भारत, बी उज्बेकिस्तान, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर मेरे प्यारे साथियों, भारत। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस स्थान पर दिव्यांगजन खेलकूद केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है? ऑप्शन है ए जयपुर राजस्थान, बी कानपुर उत्तर प्रदेश, सी ग्वालियर मध्य प्रदेश, डी लुधियाना पंजाब। तो सही उत्तर है ग्वालियर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय को IEA बायो एनर्जी TCP का कौन सा सदस्य बनने को मंजूरी दी है? ऑप्शन है ए 25वां, बी 12वां, सी 10वां, डी 43वां। और इसका सही उत्तर है 25वां। हाल ही में जारी UN की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से हर साल कितने लोगों की मौत होती है? ऑप्शन है ए 90 लाख, बी 70 लाख, सी 20 लाख, डी 35 लाख। और इसका सही उत्तर है 70 लाख। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी मणिपुर, सी असम, डी पश्चिम बंगाल। और इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा की अवधि 5 साल से घटाकर 3 महीने कर दी है? ऑप्शन है ए भारत, बी पाकिस्तान, सी रूस, डी जापान। और इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस पड़ोसी देश की सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम की शुरुआत की है? ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी चीन। और इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। हाल ही में 5 मार्च 2019 को किस दक्षिणी अफ्रीकी क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन है ए वासिम अमला, बी फाफ डू प्लेसिस, सी इमरान ताहिर, डी डेल स्टेन। और इसका सही उत्तर है इमरान ताहिर ने। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में भारत रूस के आयुध कारखाने का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए जोधपुर राजस्थान, बी इम्फाल मणिपुर, सी अमेठी उत्तर प्रदेश, डी शिवसागर असम। और इसका सही उत्तर है अमेठी उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आयुध कारखाने का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, इसरो इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में कौन सा कक्षा पूरी कर चुके विद्यार्थियों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए 5वीं क्लास, बी 12वीं क्लास, सी 10वीं क्लास, डी 8वीं क्लास। और इसका सही उत्तर है 8वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में जारी यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में वर्ष 2017 से 2018 के बीच कितने प्रतिशत खसरे के मामले बढ़े हैं? खसरा एक बीमारी है, तो उसके कितने मामले बढ़े हैं 2017 से 18 के बीच में? तो ऑप्शन ए 23.1%, ऑप्शन बी 48.4%, ऑप्शन सी 43.3%, ऑप्शन डी 55.9%। और इसका सही उत्तर है 48.4%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया, जिसमें कितने वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मासिक पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 55 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 62 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष। और इसका सही उत्तर है 60 वर्ष के व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट,
हाल ही में जारी ग्रीनपीस की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है? ऑप्शन ए भोपाल भारत, ऑप्शन बी ढाका बांग्लादेश, ऑप्शन सी गुरुग्राम भारत और ऑप्शन डी रावलपिंडी पाकिस्तान। और इसका सही उत्तर है भारत देश का है, हरियाणा राज्य का गुरुग्राम जिला। नेक्स्ट, राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण NPPA ने हाल ही में कैंसर के इलाज की कितनी दवाओं की कीमत में 87% तक की कमी की है? ऑप्शन ए 390, ऑप्शन बी 255, ऑप्शन सी 243, ऑप्शन डी 346। और इसका सही उत्तर है 390 दवाओं की। हाल ही में 8 मार्च 2019 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमन डे मनाया गया, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1975 में, ऑप्शन बी वर्ष 1990 से, ऑप्शन सी वर्ष 2000 से और ऑप्शन डी 1996 से। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, उसकी शुरुआत 8 मार्च 1975 से हुई थी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में उड़ान योजना हेतु कुल कितनी धनराशि की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए 1500 करोड़ रुपए की, ऑप्शन बी 4500 करोड़ रुपए की, ऑप्शन सी 5500 करोड़ रुपए की और ऑप्शन डी 6000 करोड़ रुपए की। तो मेरे प्यारे साथियों, सही उत्तर है ऑप्शन बी 4500 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट, इनमें से किसे हाल ही में प्रित्जर पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है? ए मार्क जीमर, बी कैली फर्निस, सी अराता इसोजाकी, डी रोरी पेंटिसन। तो मेरे प्यारे साथियों, सही उत्तर है अराता इसोजाकी, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में किस शहर को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? ए जलगांव महाराष्ट्र, बी रांची झारखंड, सी इंदौर मध्य प्रदेश, डी गांधीनगर गुजरात। और सही उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य का इंदौर जिला। नेक्स्ट, हाल ही में फोर्ब्स ने 2019 की सबसे अमीर लोगों की सूची जारी की है, जिसमें कौन सबसे युवा अमीर बना है? ए मार्क जकरबर्ग, बी एलन जॉन, सी माइकल आर्क, डी काइली जेनर। और इसका सही उत्तर है डी काइली जेनर। नेक्स्ट, गूगल ने हाल ही में प्राथमिक कक्षा के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी सिखाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है ए सीखो, बी बोलो, सी पढ़ो, डी शिक्षा। और सही उत्तर है बोलो। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में देश भर में कुल कितने GPS स्टेशनों की स्थापना की है? ए 22, बी 20, सी 25, डी 15। सही उत्तर है 22 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 20 रुपए का सिक्का जारी किया, जिसका आकार होगा ए 20 mm, बी 25 mm, सी 27 mm, डी 40 mm। और सही उत्तर है 27 mm। हाल ही में कब भारत में प्रथम जन औषधि दिवस मनाया गया? ए 7 मार्च 2019 को, बी 5 मार्च 2019 को, सी 4 मार्च 2019 को, डी 1 मार्च 2019 को। और जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च 2019 को, तो सही उत्तर है ए 7 मार्च 2019 को। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है, जिसको नाम दिया गया है ए अल्फेंजो मेरांडो, बी एस्ट्रो बाट्राचस कुरिचियाना, सी किड एसके हेल मैथीज, डी मिगेल ऑर्थोपेडा। तो सही उत्तर है बी एस्ट्रो बाट्राचस कुरिचियाना। नेक्स्ट, हाल ही में 14 मार्च 2019 को दुनिया भर में विश्व किडनी दिवस मनाया गया, जिसे हर वर्ष मनाया जाता है ए मार्च महीने के दूसरे बृहस्पतिवार को, बी मार्च महीने के दूसरे सोमवार को, सी मार्च महीने के दूसरे बुधवार को, डी मार्च महीने के दूसरे रविवार को। इसका सही उत्तर है मार्च महीने के दूसरे बृहस्पतिवार को। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति हाल ही में मिजोरम के पहले लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं? ए एम चंद्रकृष्ण, बी एल मेघराज, सी सी लाल सावता, डी पी देवगन। और इसका सही उत्तर है सी लाल सावता। नेक्स्ट, हाल ही में पहली बार किस सुपारी की किस्म को GI टैग प्रदान किया गया है? ए अलेको, बी सिरसी, सी बैतुला, डी निमार। सही उत्तर है सिरसी। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त रूप से सड़क परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ए बांग्लादेश, बी अफगानिस्तान, सी नेपाल, डी चीन। सही उत्तर है बांग्लादेश। हाल ही में जारी सिप्री की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? ए भारत,
बी सऊदी अरब, सी चीन, डी ऑस्ट्रेलिया और सही उत्तर है सऊदी अरब। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के 220 बांधों के लिए कुल कितनी धनराशि का वित्त पोषण किया है? ए 960 करोड़ रुपए, बी 220 करोड़ रुपए, सी 750 करोड़ रुपए, डी 140 करोड़ रुपए और सही उत्तर है 960 करोड़ रुपए। कौन व्यक्ति हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के नए निदेशक बने हैं? ए डॉक्टर एन एस राव, बी डॉक्टर पी के भाटिया, सी डॉक्टर आर के चौहान, डी डॉक्टर ए के मोहंती। सही उत्तर है डॉक्टर ए के मोहंती। हाल ही में किस प्रकार के गुड़ को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? ए आर्य, बी रेलो, सी मरयूर, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मरयूर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कुल कितनी महिला और संस्थानों को नारी शक्ति पुरस्कार 2018 प्रदान किए हैं? ए 12, बी 44, सी 29, डी 76। सही उत्तर है 44। हाल ही में क्रिकेटर जेपी डुमिनी ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी इंग्लैंड, डी न्यूजीलैंड और इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हर वर्ष मनाया जाता है? ए 15 मार्च को, बी 12 मार्च को, सी 13 मार्च को और डी 10 मार्च को। तो सही उत्तर है 15 मार्च को। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस क्रिकेटर से आजीवन प्रतिबंध हटाया है? ए अजीत चंदीला, बी एस श्री संत, सी अंकित चौहान, डी इनमें से कोई नहीं और इसका सही उत्तर है एस श्री संत से। आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक को निजी बैंक घोषित किया है? ए एसबीआई बैंक, बी आईडीबीआई बैंक, सी फेडरल बैंक, डी लक्ष्मी विलास बैंक और सही उत्तर है आईडीबीआई बैंक। हाल ही में भारत बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 का समापन हुआ, बताइए यह कौन सा अभ्यास था? ए 8वां, बी 5वां, सी 9वां, डी 10वां। सही उत्तर है 8वां। इनमें से किसे साल 2018 के व्यास सम्मान हेतु चयनित किया गया है? ए मोहन चावला, बी सत्यनारायण वर्मा, सी लीलाधर जगुड़ी, डी अरविंद भारद्वाज। सही उत्तर है लीलाधर जगुड़ी। ब्रिटेन ने हाल ही में किस व्यक्ति के सम्मान में ब्लैक होल सिक्का जारी किया है? ए एलेस्टर कुक, बी क्वीन विक्टोरिया, सी डेविड बेकम, डी स्टीफन हॉकिंग। सही उत्तर है स्टीफन हॉकिंग। हाल ही में राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबाये ने पद से इस्तीफा दिया है, वह किस देश से संबंधित है? ए कजाकिस्तान, बी यूक्रेन, सी तुर्की, डी मंगोलिया। सही उत्तर है कजाकिस्तान। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने हाल ही में भारत में ऊर्जा दक्षता में तेजी लाने हेतु एक राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज विकसित किया है, जिसका नाम है ए उन्नति, बी एल एम मति, सी उन्ना उई, डी इसी यति। तो सही उत्तर है उन्नति। कौन व्यक्ति हाल ही में गोवा के नए मुख्यमंत्री बने हैं? ए राजीव निगम, बी प्रमोद सावंत, सी अशोक त्रिपाठी, डी जतिन रायउदार। सही उत्तर है प्रमोद सावंत। हाल ही में कौन लेडीज यूरोपीय टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय गोल्फर बनी है? ए अनिशा पादुकोण, बी शर्मिला निकोलेट, सी मीना शर्मा, डी दीक्षा डागर। सही उत्तर है दीक्षा डागर। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मनोहर पारिकर का निधन हुआ है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ए गोवा, बी असम, सी मणिपुर, डी केरल। सही उत्तर है गोवा। कौन व्यक्ति हाल ही में जीवन बीमा निगम LIC के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए? ए शरद चौहान, बी एम आर कुमार, सी मोहम्मद जैसन, डी अतुल शर्मा। सही उत्तर है एम आर कुमार। हाल ही में किस देश को अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप 2020 की मेजबानी मिली है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी चीन, डी रूस। सही उत्तर है भारत। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के 24वें नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ए अशोक रावत, बी सीताराम चोपड़ा, सी लक्ष्मण सिंघानिया, डी करमबीर सिंह। सही उत्तर है करमबीर सिंह। विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हर वर्ष मनाया जाता है? ए 23 मार्च को, बी 20 मार्च को, सी 21 मार्च को, डी 22 मार्च को। सही उत्तर है 23 मार्च को। किस देश की सरकार ने हाल ही में असोल्ट सेमी ऑटोमेटिक राइफलों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ए भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी न्यूजीलैंड, डी बांग्लादेश। सही उत्तर है न्यूजीलैंड। हाल ही में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर रखा गया है? ए फुरखान, बी अरमत, सी नूर सुल्तान, डी तराज। सही उत्तर है नूर सुल्तान। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे फॉर ऑफ फॉरेस्ट हर वर्ष मनाया जाता है? ए 21 मार्च को, बी 20 मार्च को, सी 22 मार्च को, डी 25 मार्च को। सही उत्तर है 21 मार्च को। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए 122वां, बी 134वां, सी 149वां, डी 140वां।
सही उत्तर 140वां। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए हैं? ए न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, बी न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी, सी न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, डी न्यायमूर्ति दिलीप बी भोसले। सही उत्तर है न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। हाल ही में कौन आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं? ए विराट कोहली, बी एबी डी विलियर्स, सी सुरेश रैना, डी शिखर धवन। सही उत्तर है सुरेश रैना। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व हाकू शाह का निधन हुआ है, वह थे ए चित्रकार, बी वैज्ञानिक, सी गायक, डी नर्तक। सही उत्तर है चित्रकार। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में कुल कितनी भारतीय कॉफी की किस्मों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है? ए 2, बी 5, सी 8, डी 10। सही उत्तर है 5। भारत ने हाल ही में सीबीसी रिपोर्ट के आदान प्रदान हेतु किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए रूस, बी अमेरिका, सी चीन, डी जापान। सही उत्तर है अमेरिका। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2018 में भारत में गरीबी दर कम होकर हो गई है? ए 28%, बी 22%, सी 47%, डी 39%। सही उत्तर है 28%। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व है रमणिका गुप्ता का निधन हुआ है, वह थी ए लेखिका, बी वैज्ञानिक, सी पूर्व मुख्यमंत्री, डी पूर्व रक्षा मंत्री। सही उत्तर है लेखिका। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने हेतु समझौतों को मंजूरी प्रदान की है? ए इंडोनेशिया, बी नेपाल, सी चीन, डी बांग्लादेश। सही उत्तर है इंडोनेशिया। अमेरिका ने हाल ही में अब तक के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की घोषणा की है, जिसका नाम है ए पायथन, बी डायोन, सी आरोरा, डी मैगिल। सही उत्तर है आरोरा। हाल ही में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए, जिसमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ए सलमान खान, बी आमिर खान, सी संजय दत्त, डी रणबीर कपूर। सही उत्तर है रणबीर कपूर को। किस टीम ने हाल ही में सुल्तान अजलान शाह कप 2019 का खिताब जीता है? ए चीन, बी भारत, सी दक्षिण कोरिया, डी अफगानिस्तान। सही उत्तर है दक्षिणी कोरिया। हाल ही में कौन आईपीएल में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी 16 साल 157 दिन के बने हैं? ए मयंक मार्कंडे, बी एडम जाम्पा, सी प्रियासरे बर्मन, डी निखिल नायक। सही उत्तर है प्रियासरे बर्मन। हाल ही में कौन इलेक्ट्रिक टैक्सी हेतु वायरलेस चार्जिंग सुविधा देने वाला दुनिया का पहला शहर बना है? ए बगदाद इराक, बी ओस्ले नार्वे, सी बीजिंग चीन, डी कानपुर भारत। सही उत्तर है ओस्ले नार्वे। हाल ही में स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2019 दिए गए, जिसमें किसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है? ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी चांगी हवाई अड्डा, डी दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सही उत्तर है चांगी हवाई अड्डा। इसराइल में हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा खोजी गई है, जिसे नाम दिया गया है? ए टर्नर, बी हेक्जा, सी किनल, डी मालम। सही उत्तर है मालम। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारा कंप्लीट मार्च माह का करंट अफेयर्स जीके, और इनकी डिटेल्स के लिए आप मार्च 1 से मार्च 31 तक के हमारे सारे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखें। तो साथियों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी क्वेरी, जो भी क्वेश्चन है कमेंट करें, यूवी कंपटीशंस को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।